अलीसा, अलीसा, मैं आ रही हूँ। अलीसा नीचे आओ अभी। मुझे माफ कर दो लार्स, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है, जितना जल्दी हो सके मुझे मेरे पिताजी को ठीक करना होगा। सर मिल्टन, मालकम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मालकम, सन को कवर अभी करता हूँ। सर हमें आवाज साउथ की तरफ से चाहिए, क्या आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? क्या तुम्हें रास्ता पता है? ऑफ कोर्स, मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था कि हमेशा जॉर्ड की तरफ जाना। चलो जल्दी, और हवा। एलिजाबेथ का खून और ड्रैकुला के आंसुओं से मिलकर बनी 13 रूबीज में स्पेशल पावर्स थी। क्लैन वॉर्स के दौरान कई सारी रूबीज खो गई थी, सिर्फ कुछ ही क्लैंस बच पाए थे। द ड्रैकल्स, द लाइकाना, द नॉस्फेरस, द पिराज, द वायराड और द वमालिया। मुझे एक आर्मी चाहिए मेरे रूबीज वापस लाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम रेड मास्क को ट्रेन करो। वो लोग मुझसे क्यों ट्रेनिंग लेंगे? तुम कैल्विना के बेटे हो, उसके जैसी लीडरशिप स्किल तुम्हारे खून के अंदर भी होगी। उन्हें कन्विंस करो कि वो तुम्हें फॉलो करे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। आपको चोट पहुंची? तुमने ये जानबूझकर किया। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तुम्हारे दिल की सुनी और ये सब कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे से तुम दूर रहो। क्या वो, क्या नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, इसके पास सिल्वर से बचने के लिए कुछ समय और है। अपने कमरे में जाओ एलिसा, तुम्हारे साथ क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना तुम्हें सावधानी से। मुझे लगता है मैं नोटबुक को समझ पा रही हूँ, शायद मैं नोट तक पहुँचने का रास्ता भी ढूंढ लूँ। अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें इसे छुपा के रखना होगा, हमारे एल्डर्स अभी आ रहे हैं, वो ये नहीं देख सकते। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ ने इन पे विश्वास नहीं किया था, वो जानते हैं तुम्हारे पास ये शक्ति है, तो क्या पता वो क्या करे। तुम समझ रही हो? हाँ ठीक। अगर गाट खुली नहीं तो सब कुछ शायद वैसे ही होगा जैसा पहले था, और वो ड्रैकुला शायद कभी ना रुके। और अगर वो पहली नॉट तक पहुंच जाए तो क्या पता वो क्या करेगा, सारे ह्यूमंस मर जाएंगे। उसे मैं सबक सिखाऊंगी। एलिसा मेरे साथ तुम क्लासरूम में चलो।
हम मुश्किल में हैं, मेरी बच्ची मुसीबत से भी बड़ी। अलीसा, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब पर यह नौबत आई है। केल्विना को कल सुबह हम सूरज की रोशनी के सामने रखेंगे, पर तुम्हारा क्या किया जाए? क्या तुम्हें खुद के डिफेंस में कुछ बोलना है? मैंने जो किया सो किया, लेकिन मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि केल्विना ये सब डिजर्व नहीं करती। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ शैडो बनाया गया था, वो विक्टिम है। इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए उसे हमारी मदद की जरूरत है। अब भी मौका है, केल्विना फिर से ह्यूमन बन सकती है। अब भी मौका है, वो अपने बेटे के पास फिर से लौट सकती है। मुझे प्लीज माफ करो कि सब बिगड़ गया और बैरन को चोट लग गई। मेरा वो करने का मतलब नहीं था, लेकिन मैंने जो किया सही किया, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये लो, मैं कहाँ हूँ? वो कौन सी आखिरी चीज तुम्हें याद है? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर सब धुंधला नजर आ रहा है। मैंने तुम्हारे बेटे से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगी, और मैं वो भी नहीं कर सकती। मेरा बेटा? मुझे बेटा भी है? मुझे वो याद भी नहीं है। जानती हूँ। मुझे उसके बारे में बताओ ना प्लीज। वो स्ट्रांग है और फनी भी। मीको, देखा तुमने कैसी बेइज्जती हुई हमारी? स्मार्ट है। तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि अंधकार के इस समय में हमें साथ रहना होगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक साथ एक धोखेबाज का बेटा ये कह रहा है, जिसकी माँ खुद वैम्पायर बन चुकी थी। मुझे पता है, और मैं बदला चाहता हूँ। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम हमला कर सकते हैं। कैसे? तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं केल्विना का बेटा हूँ। मैं वैम्पायर्स के बारे में तुम सभी लोगों से ज्यादा जानता हूँ। सुनो, इस बच्चे की बात सुनो। मैं तुम्हें अपनी नींद में हरा सकता हूँ। क्यों ना तुम आजमा कर देख लो। तुम्हें इसके साथ रहना है या मेरे साथ आना है? कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरा साथ देगा? मिल्टन, मालकम, डटे रहो, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता कि हम कितने देर इसे रोक पाएंगे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये अलीसा के बारे में। वो किसी कोर्ट पे काम कर रही है।
किसी मैप के बारे में जो एक रोप से जुड़ी है। आईवी, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके हाथ से बस एक गलती हो गई, वो ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ सही कहा। हे, तुम इतने स्मार्ट कब से हो गए? मैं तो हमेशा ही तुमसे होशियार था। मुश्किल से। जाओ। अलीसा, मैंने सुना तुमने नोटबुक क्रैक किया। हाँ शायद। मुझे ये अच्छे से पता है, तुम्हारा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ करो। वो तो बस मुझे पता है, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में ये बातें हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, भले ही तुम एक वारिस हो। वो लोग करना क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता। ये क्या था? मैं जाके देखती हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। क्या खूबसूरत दिख रहा है। मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं देखा। मेरे पिताजी को ले चलो जल्दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। आपको मेरे पिताजी की मदद करनी होगी। अब उनका समय आ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लार्स, मुझे माफ करो। अंकल रैग्नर, अभी तक यह खत्म नहीं हुआ। लार्स, आपको मेरे पिताजी की मदद करनी होगी। मुझे पता है आप वो कर सकती है, आपके पास वो शक्ति है। लार्स, नहीं, अब मैं एक लैंड लीडर बन चुका हूँ। मेरी बात मानो, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उन शक्तियों से जो ड्रैकुला के आंसुओं से मिलती है, ये एक क्लैन लीडर का ऑर्डर है, और बाय द लॉ आपको मेरा ऑर्डर मानना होगा। वमालिया की लड़की अलीसा, उसे यहां ले आओ। चलो, यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। क्या? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे जानते हैं? मैं सब जानती हूं। लार्स की भावनाओं से तुम प्रभावित मत होना, वो हर गलती के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराता है। पर तुम्हें इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना होगा, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। तुम इसकी मदद करना चाहती थी ना, तो फिर ये बकवास क्यों कर रही हो? मैग्नस के शरीर में जो सिल्वर गया है, उस वजह से उसका दिमाग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो अपनी सारी यादों में पूरी तरह से खो गया है। सिल्वर उसे उस तरफ खींच रहा है। हम चाहते हैं कि तुम उसे ढूंढो, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। आप चाहते हैं मैं उसके मन में चली जाऊं? ये तुम ही कर सकती हो। परिवार वाले और क्लैन मेंबर्स ये काम नहीं कर सकते, उनका इसके साथ काफी अतीत जुड़ा हुआ है। वो लोग इसकी याददाश्त में खो जाएंगे। और एल्डर्स की बात करें तो
उनका भी अतीत जुड़ा हुआ है। हमें एक पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हर तरफ रोशनी फैला दे और उसे वापसी का रास्ता बताए। तो अब आगे क्या होगा? शायद वो वापस नहीं आ सकती। अगर उसकी याददाश्त खो गई तो वो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ। नहीं अलीसा, नहीं। उसे बचाने का कोई भी रास्ता होगा, मैं उसे अपनाना चाहूंगी। पिछली बार लार्स ने ऐसा किया था, उसने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है। मुझे क्या करना होगा? सबकी सोच अलग होती है, सबका सफर अलग होता है। तुम्हें उसके याददाश्त के सहारे अतीत में जाना होगा और उसकी मदद से तुम्हें उसे ढूंढना होगा और तुम्हें वर्तमान के बारे में उसे समझाना होगा। पर तुम्हें सावधान रहना होगा। हर मोड़ पर सिल्वर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार रहेगा, पर तुम हार नहीं मानना। बैरन, तुम कहाँ हो? बैरन मैग्नस, एलिसा, मॉम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे वो नोट खोलनी ही होगी, मुझे उसे बचाना होगा। वो लोग किसी भी पुराने रिवाज का अनादर नहीं करेंगे। याद रखो। वियोला, एना, प्लीज मुझे बाहर निकालो। हम नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक रास्ता है। मॉम, मॉम, मुझे ये नोट खोलना ही होगा। हम एल्डर्स ने तय कर लिया है, फेमालिया की एलिसा, तुम हमारे कैद में हो, आखिरी सांस तक। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो। बैरन, का रूबी अब हमारे क्लैन का हिस्सा है। सूरज को कैद करने की ताकत अब हमारे पास है। जो वैम्पायर्स डर के मारे इस लड़ाई से भागना चाहते हैं, वो ड्रैकस के सामने हार मान ले। मैग्नस, पिताजी वो जख्मी हो गए हैं। पिताजी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं, तुम एक अच्छे लीडर बनोगे मेरे बच्चे। लेकिन रैग्नर मेरे से बड़ा है। पर तुम ताकतवर हो, तुम मिस क्लैंड को संभालोगे। नहीं रैग्नर, तुम इन्हें लीड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अंधकार बसा है। पिताजी, 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 पिताजी,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा हाय, रोते नहीं रोते नहीं, क्यों रो रहे हो? सुनो तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम जैनस बनना चाहते हो? नहीं तो फिर बियोन, तो फिर लार्स। अच्छा फिर ठीक है, ड्रैकस का लार्स। तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत गर्व महसूस करते होंगे क्योंकि तुमने उन्हें बहुत प्यारा पोता दिया है। तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तुम मुझे देख सकते हो। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। बाहर निकलने आई हूँ? मैं तो मेरे घर पर हूँ, मेरे फैमिली के साथ। नहीं, ये सब झूठ है। तुम्हारा शरीर तुम्हें मजबूर कर रहा है, वो तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, लेकिन अब समय नहीं है। तुम अपने मन में ही जकड़े हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। प्लीज, लार्स इंतजार कर रहा है वहाँ असली दुनिया में, वो रुका हुआ है। प्लीज मेरी बात सुन लो। मैग्नस, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। लार्स यही पे है। ये सच नहीं है, वो असली नहीं है। देखो तो। प्लीज, लार्स यही है। उसका अहंकार बोल रहा है। तुम अपना काम करो। देखो मैंने कहा वो झूठ है, तुम उसे जानते हो। यही रुक जाओ। प्लीज लार्स यही है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। तुम्हारा लार्स उस तरफ खड़ा है, बस उसके खातिर तुम्हें खुद को बचाना होगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, सुन रहे हो ना तुम? प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो फिर मैं क्या करूं? फॉलो मी, लार्स की खातिर, मेरे खातिर, मेरा हाथ पकड़। तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे ये करने दो। जाग क्यों नहीं रहे? वो उठ जाएगा, तुमने उसे बचा लिया, वो उठ जाएगा। हमें उसे थोड़ा समय देना होगा, इसे और थोड़ा समय लगेगा, पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे बाहर निकालो। अलीसा, शुक्रिया, तुमने उनकी जान बचा ली। मुझे बाहर निकालो, अब वो ठीक हो जाएंगे। हाँ क्या, अब वो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, उसने कर दिया। इतनी खुशी की बात है, उसने सच में उसे बचा लिया। लास्ट थैंक यू। अलीसा, हो सकता है मेरी माँ जिंदा हो।